नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और मौजूदा सरकार के बीच लगातार तकरार जारी है। इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि इमरान खान कई मामलों में आरोपी हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और इस बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसने देश में खूब हंगामा भी किया है। और इसी बीच अब इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के मुखिया और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने फिर से एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उनके लाहौर वाले स्थित जमान पार्क वाले घर में 30 से 40 आतंकियों ने शरण ले ली है। और इस पर पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस को वहाँ पर भेजा है और अब वहाँ पर झड़प हो रही है। पुलिस ने इमरान के घर को घेर लिया, तो वहीं सरकार ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे की सीमा दी है। ये घटना तब हुई जब इमरान ने पीटीआई नेताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी और उनके अपहरण को लेकर देश की सरकार पर हमला बोला था और शहबाज शरीफ सरकार पर लगातार निशाना साधते हुए कई सवाल किए थे। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इमरान खान को जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स उठा कर ले गए, उसके बाद और बवाल हुआ था, आगजनी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और खूब हंगामा मचाया गया था। वहीं अब इमरान खान के घर में जब आतंकवादी घुसे हैं, तो उसके बाद पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आमिर मीर ने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई को इन आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इन आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पता था, क्योंकि उनके पास विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स थी। मीर ने ये भी कहा कि जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और इस तरीके से अब वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि जो आतंकी घुसे हैं उन्हें सरेंडर करना चाहिए, नहीं तो आगे तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। 24 घंटे का वक्त दिया गया है। वहीं जिस तरीके से आतंकियों ने इमरान खान के घर में शरण ली है और 30 से 40 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, उसके बाद अब इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार इसे इमरान खान के सपोर्टर्स के तौर पर प्रेजेंट कर रही है और बता रही कि ये सब इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और वही हंगामा कर रहे हैं। तो बहरहाल आगे जो भी अपडेट पाकिस्तान से आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से भी पाकिस्तान के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है, वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान को कोई भी देश लोन नहीं देना चाह रहा है। और इसी बीच शहबाज शरीफ सरकार लगातार इमरान सरकार जो कि पूर्व में रही है उस पर सवाल उठाती रही कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से देश आज इस स्थिति में पहुँच चुका है कि वहाँ पर खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो इसी तरीके से तकरार जारी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान के घर में 40 आतंकवादियों ने फिलहाल शरण ली है, उसके बाद अब शहबाज शरीफ सरकार ने उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया है सरेंडर करने का। देखना होगा कि आगे वो सरेंडर करते हैं या फिर पाकिस्तान में और ज़्यादा बवाल होता है।